धर्म तो बहुत है, लेकिन सेवा को यहाँ हमारे गोस्वामी जी ने सुधर्म कहा। मानस में आप जानते हैं कि धर्म की बहुत व्याख्या आई, सत्य के समान धर्म नहीं, परहित के समान धर्म नहीं, उपकार के समान धर्म नहीं, अहिंसा के समान धर्म नहीं, सेवा धर्म कठिन जग जाना सेवा। लेकिन यहाँ सु लगा करके पादुका के प्रदान में सेवा विमल नयन सेवा सुधर्म के। श्रीमन महाप्रभु जी को स्मरण करो, वल्लभाचार्य प्रभु को, वो कहते हैं सदा वैष्णव को सेवा करनी चाहिए, बस सेवा 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 सेवा, चिंता नहीं करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए बस। ये सुधर्म है, उसको ठीक से देखने के लिए मानी समझने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने निर्मल नेत्र दिए, राम ने आंखें निकाल कर दे दी, राम ने हृदय का कपाट दे दी। क्या क्या भगवान अंग दान कर रहे हैं भरत को, ये पादुका का दान केवल वस्तु का नहीं है, ये केवल उपकरणों का दान नहीं, अंग दान है। और ध्यान रखना मेरे श्रावक भाई बहन, कोई भी बुद्ध पुरुष अपने आश्रित को पादुका दे तब समझना वो अंग दान कर रहा है। आजकल पूरी दुनिया में नेत्रदान की चर्चा है, नेत्रदान करो ये अच्छी बात है, जो हो अच्छी सेवा है, लेकिन सदगुरु के समान नेत्रदान विश्व में कोई नहीं करता है। ये नेत्रदान क्यों, कृष्ण ने कहा दिव्यम ददामिते, सबसे पहला चक्षुदान तो कृष्ण ने किया है भगवद गीता में, दिव्यम ददामिते चक्षु, मेरा ये रूप तेरी ये चर्म चक्षु से तू नहीं देख पाएगा, क्या करुणा फूटी होगी। कोई किसी को आंखें दे दे करुणा की चरम सीमा है नेत्रदान चक्षुदान, ये बड़ी प्यारी प्रवृत्ति जगत में चलती है। लेकिन आरंभ तो किया है राम कृष्ण अवतारों ने, जिन्होंने नेत्रदान किया है, विमल नयन सेवा सुधर्म के। कोई भी बुद्ध पुरुष पादुका दे, कृपा करके दे, तो उसको केवल लकड़ी की पादुका और चांदी सोने में मढ़ो ये तो आपकी बात है, ठीक है, लेकिन उसके मूल स्वरूप को रूप तो उसका लकड़ी का है, गुरु के चरणों के नाप की है, जो जो हो, लेकिन स्वरूप मूल कथा का अर्थ क्या है, रूप नहीं स्वरूप बोध हो। रूप में तो कथा एक कहानी है, अवश्य रसमयी है, लीला है, लेकिन उसका स्वरूप संत लोग। इसलिए हमारे पास कितने कितने कि कोई कृष्ण लीला का रहस्य समझा रहे, कोई राम लीला का रहस्य समझा रहे, कोई शिव दर्शन का रहस्य समझा रहे, एक स्वरूप जो अंतरतम वस्तु। इसलिए गोस्वामी जी प्यारी आंतरिक वस्तु कहते हैं, कुल कपाट कर उसके दूसरा अर्थ मुझे मेरे दादाजी बताते रहते थे, बेटा ये पादुका एक कपाट भी है, लेकिन कुल कपाट कर कर्मानि हाथ हस्तदान है। भरत मेरे हाथ ले जा बाप, और इस हाथों से कुशल कर्म करना, योग कर्मसु कौशलम, तेरा कर्म कुशल हो, न तेरा अकुशल हो, न प्रजा का अकुशल हो, न जन जन का अकुशल हो, राज ऐसे समय मानो करदान कर दिए, नेत्रदान कर दिए, चरण दान तो किए ही किए, पादुका दे दी ये चरण दान। हमारे यहां कहा है शिबी ने अंग दान किया, हरिश्चंद्र ने अपने को बेच डाला, मयूर ध्वज ने कहते हैं शरीर कटवा, जो जो हमारे यहां कथा है, महात्माओं ने अपनी हड्डियां दे दी इस संसार को, इन प्रतिभाओं ने, इन चेतनाओं ने क्या क्या नहीं। लेकिन जो कृष्ण देता है, जो राम देता है, जो पर राम कृष्ण में कोई, मुझे कल किसी ने एक चिट्ठी दी कि बापू अब राम कृष्ण कहते हैं तो बलराम और कृष्ण की बात करते हैं कि राम अवतार के राम और कृष्ण, अरे ये भेद क्यों करते हो यारो, एक ही तो है, भेद क्या है इसमें,
दाऊद बलराम भी मेरे लिए राम है, परशुराम भी मेरे लिए राम है, राघव भी मेरे राम है, कृष्ण भी मेरे लिए राम है, राम भी मेरे लिए कृष्ण है। हमें तो बहुत सुविधा भगवान ये हो गई कि पूरी परंपरा में, जन्मजात नहीं, पूरी प्रवाही गुरु परंपरा में कृष्ण ही उपासना हमारी है। ये तो राम की रोटी खाते हैं, राम गाते हैं और शिव का अभिषेक करते, ये समन्वयी जीवन परंपरा ने प्रदान किया, इसकी बहुत खुशी है।